आप ये जो पूरी मेवाड़ की श्रृंखला, इसमें रावल खुमान को अगर आप पढ़ेंगे मेरी पुस्तक में, तो उनका उन्होंने जो कॉन्फेडरेशन आर्मी का इकट्ठा किया, अल मामू नाम का एक हत्यारा अरब से आया, और दो पन्नों में तो जेम्स टॉड उस उनके जो नाम है ना, जो जो घराने आए खुमान के साथ लड़ने के लिए, उनके नाम ही समाप्त नहीं होते हैं, दो पेजेस में उनके नाम है। वो उनमें से कितने वंश तो मुसलमानों के साथ लड़ते लड़ते लुप्त हो चुके हैं, क्षत्रियों के, राजपूतों के। तो भीषण संघर्ष हुआ, भीषण रक्त रंजित। ललितादित्य मुक्तापीठ कश्मीर के थे, उनके लिए तो ये कहा जाता है कि वे पूरी तुर्कुश सेना कहते थे इसको, तुरुष्क सेना संस्कृत में, उसका हमेशा जब हरा के उसका आधा मुंडन करके भेजा करते थे। कौन से समय की बात है ये? 8वीं शताब्दी की, ललितादित्य मुक्तापीठ। उसके बाद मेवाड़ से तो लगातार प्रतिकार होता रहा, लेकिन उन्होंने 500 सालों तक घुसने नहीं दिया। अब इसके देखो, अरब इस्लाम जो था, इस्लाम को हमें समझना पड़ेगा, मुख्य तीन धाराएं भारत पर आई, अरब, अफगान और तुर्क, टर्किश। मुगल्स टर्क्स थे, इसलिए मुसलमानों को मुगल कहते हैं जेनेरिकली, वो बिल्कुल गलत है, वो भ्रांत धारणा है। सबसे पहला हमारे ऊपर हमला हुआ अरब इस्लाम का। अरब इस्लाम भारत में कंक्लूसिवली पराजित हुआ, जिस पर कि एक ब्रिटिश हिस्टोरियन है इयन ऑस्टन, उनकी टिप्पणी बड़ी मूल्यवान है कि वो कहते हैं, अगर बाप्पा रावल, रावल खुमान और महाराणा प्रताप ये तीन राजा नहीं होते तो ये पूरा विश्व इस्लामाइज हो गया होता। सोचें, अगर भारत के राजस्थान के राजपूतों ने मुसलमानों को पराजित नहीं किया होता सतत 1000 वर्षों तक, तो मुसलमान आपका धर्मांतरण करते, भारत जितनी विशाल भूमि का अगर इस्लामाइजेशन हो जाता, आपके सोना, आपका धन, आपकी टेक्नोलॉजी, आपके संसाधन और आपके नंबर्स, इन नंबर्स को लेके अगर इस्लाम आगे बढ़ता, कौन रुकता? कोई नहीं। कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम, ये चीन फीन सब समाप्त हो जाते। तो ये एक युग प्रवर्तक घटना थी कि अरबिक इस्लाम भारत में पराजित हुआ, लेकिन ये वामपंथियों को सूट नहीं करता। ये पराजय की कहानी इस्लामियों को सूट नहीं करती कि यार अपन तो जूते पड़ गए यहाँ पर, अपने क्या हुआ, गाजियों का क्या हुआ, अल्लाह तो बड़ा मेहरबान था ना हम पर, उसका क्या हुआ, उस नैरेटिव का क्या करें। तो इन्होंने उस पर कालिख पोंछ दी, और हमारे मूर्ख इतिहासकारों ने, हमारे हिंदू देश के जड़ बुद्धि इतिहासकारों ने ऐसा होने दिया, वरना वो जो पत्थर पे इंस्क्रिप्शंस हैं, जो शिलालेख हैं, जो प्रमाण है, जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, उसको खोद के लाना चाहिए था ना, वो सिद्ध करते। एक अकेले डॉक्टर रामगोपाल मिश्रा ने इस पर पुस्तक लिखी है, लेकिन कुछ अज्ञात कारणों से उन्होंने भी मेवाड़ के महाराणाओं का उल्लेख नहीं किया है। तो ठीक है, हम करेंगे। तो अपने जो इतिहास में, जैसे बप्पा रावल से लेकर पृथ्वीराज चौहान तक, हमारे राजपूतों ने, हमारे लोगों ने, हमारे हिंदुओं ने बिल्कुल एक तरफा जीत ली, एक तरफा उन्होंने करा, लेकिन 500 साल बाद में ऐसी कौन सी आप मुख्य गलती मानते हो कि वो आए और वो छोटा सा वो हमें हरा के गए? कोई गलती थी नहीं, झूठ है कुछ। इस्लाम कभी भारत में नहीं जीता। अगली पुस्तक का शीर्षक है मेरी, दिल्ली सल्तनत नाम का झूठ। कोई सल्तनत नहीं थी भैया उस समय, कोई सल्तनत नहीं, आज तक नहीं थी, कोई मुगल सल्तनत नहीं थी। ये सत्ता के मैनेजर्स थे, ऐसे समझो। आज के 100 साल बाद कोई लिखे अरविंद केजरीवाल भारत का राजा था, वो दिल्ली पर बैठा इसलिए यार। लेकिन चूंकि दिल्ली उसके पास थी, इसलिए वो हिंदुस्तान का राजा था। ये आपके सामने मैं बता रहा हूं ना, प्रत्यक्ष प्रमाण है। दिल्ली का, पहली बात तो दिल्ली एक शहर के रूप में 1650 में अस्तित्व में आती है, जब शाहजहां दिल्ली दिल्ली को दिल्ली बनाता है। उससे पहले तो सत्ता का केंद्र आगरा था, दिल्ली एक शहर था, एक गैरिसन था, एक छावनी थी, जहां पर ये इकट्ठा होकर रहते थे मुसलमान। जब इनके खाना पीना कम हो जाता तो ये लूटने निकल जाते थे। अब हिंदू समाज पूरा एक सभ्य समाज था, हमारे जो रूल्स ऑफ एंगेजमेंट थे वॉर के, वो भी इतने विकसित थे। रात को अंधेरा होने के बाद नहीं लड़ेंगे, हिंदू सेना कभी किसी स्त्री, बच्चे, बूढ़े पर हाथ नहीं चलाएगी, ये पराजित राजा की बच्चियों पर हाथ नहीं डाला जाएगा, जिसको कि 712 में
मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर की बच्चियों सूर्या देवी परिमला देवी को भोगदासी बनाकर वो आदमी हज्जाज बिन यूसुफ के पास भेजता है। वही तो क्रोध था बापा के मन में कि ये तो मलेच्छ है, ये कोई ऐसा दुश्मन नहीं है जिसके साथ सभ्यता का व्यवहार किया जाए, इसका बीज नाश आवश्यक है। ये उस वक्त हमारे पुरखों को समझ थी। तो ये जो सारा का सारा जो अड़खंजा उठता है ये उसी विचारधारा से आता है। कहा जाता है कि बाबर ने जैसे आक्रमण किया, हिंदुस्तान को जीता और उस पर राज किया, लेकिन उसी समय उसी टाइम के इतिहासकार या खुद बाबर एक जगह लिखता है कि राणा सांगा उस समय के इतने खतरनाक शक्तिशाली और खतरनाक राजा थे जिससे बाबर खुद डरता था। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? आप पुस्तक पढ़े मेरी, मैंने उसमें ये सिद्ध किया है खानवा की लड़ाई सांगा जीते थे। मूल बात क्या है, खानवा की लड़ाई कौन जीता था? 2 लाख हिंदू सेना सांगा नेतृत्व करके जाते हैं खानवा पे। उससे पहले बयाने के युद्ध में उनको पराजित करते हैं मुसलमानों को। बाबर के सेना नायक खुद लिखते हैं कि इनसे भिड़ेंगे कैसे, इनको तो डर ही नहीं लगता, ये मरने से डरते ही नहीं राजपूत। तो 16 फरवरी 1527 को खानवा का युद्ध होता है। किसी लिखित स्रोत में आपको खानवा सांगा की जीत नहीं बताया जाएगा, सांगा की हार बताया जाएगा। मैं भी मानता था, मुझे केवल एक बात खटकती थी कि अगर सांगा हारे थे, सांगा की विष देकर हत्या करवाई बाबर ने 30 जनवरी 1528। ये जो 10 महीने का कालखंड निकलता है खानवा के युद्ध में और सांगा की हत्या के बीच में, उस वक्त सांगा कहां थे? सांगा उसी एरिया में थे, तो अगर हारे थे तो उस एरिया में कैसे थे, क्या कर रहे थे? और अगर हार गए थे तो बाबर ने पूरे राजस्थान का, पूरे मेवाड़ तक उनका पीछा करके उनको नेस्तनाबूद क्यों नहीं किया? हुमायूं को उसने खानवा का युद्ध होते ही अफगानिस्तान क्यों भेज दिया? अगर वो जीत गया था तो कहीं का गवर्नर बनाता ना। अंतिम बात, मैं खानवा गया, यहाँ से 180 किलोमीटर दूर है खानवा, आपको भी जाना चाहिए, अपना कैमरा लेके जाइए, फोटोग्राफ उतार के आइए, वहाँ पर वीडियो उतार के आइए। मैं जब वो जो स्थल है जहाँ से युद्ध लड़ा गया था खानवा पे, एक पहाड़ी है छोटी सी बिल्कुल, वहाँ बहुत सुंदर राजस्थान गवर्नमेंट ने एक स्मारक बना रखा है। मैं क्या देखता हूँ कि 20 या 22 हिंदू छतरियाँ बनी हुई हैं युद्ध क्षेत्र में। खानवा का जो युद्ध क्षेत्र है उसमें 500 वर्ष पुरानी छतरियाँ खड़ी हैं। अगर सांगा हारे थे तो ये हिंदू छतरियाँ किसने बनवाई भैया? मुसलमान तो छतरी बनाता नहीं है। इसका मतलब यह है कि इस देश के मक्कार इतिहासकारों में से कोई खानवा जाकर के गया, उसने फिजिकल जाकर के उसने देखा ही नहीं है। फिर मैं जब तथ्यों को एकत्रित करने लगा तो मुझे मैंने सिद्ध किया है कि खानवा सांगा जीते थे। तो जो मुसलमान राजा यहां पर उनकी जो जीत के ढिंडोरे पीटे जाते हैं वो हमेशा इस्लामिक सोर्सेज को कोट करके जीते जाते हैं। 3 प्राइमरी हिंदू सोर्सेज मैंने कोट किए जो कहते हैं कि सांगा खानवा जीते थे, लेकिन इस देश के मक्कार इतिहासकारों ने हिंदू सोर्सेज को तो रेफर ही नहीं किया है, जैसे कि इस देश में केवल मुसलमानों का इतिहास है वही प्रामाणिक है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो वो जब सांगा की कहानी, सांगा जितने प्रतापी राजा को भी इन्होंने पराजित दिखा दिया, तो छोटी मोटी राणा लक्ष्य सिंह, महाराणा रायमल, इनकी छोटी मोटी जीतों को तो आसानी से मिटा सकते थे। सिंगोली का युद्ध बाबा महाराजा महाराणा हमीर सिंह सिसोदिया और मोहम्मद बिन तुगलक के बीच युग प्रवर्तक युद्ध था। 6 महीने तक कुत्ते की तरह कैद करके रखा मोहम्मद बिन तुगलक को महाराणा हमीर सिंह जी ने। कहीं उल्लेख मिलता है आपको महाराणा हमीर सिंह जी का? इस देश में तुगलक पढ़ाया जाता है, हमीर सिंह का नाम नहीं मिलेगा आपको, हमीर सिंह का नाम। फिर तो ये कितनी बड़ी चालबाजी है। तो मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ कि इस देश के ऊपर जो इस्लामी आक्रमण हुआ, इस देश के आत्माविहीन घटिया इतिहासकारों ने उन आक्रमणों को इस देश का इतिहास बना दिया। उनके खिलाफ सफल प्रतिरोध को इतिहास से पोंछ डाला गया, क्योंकि तलवार के बल पर हमारे पुरखों ने इनको यहां नहीं आने दिया। ये नुकसान गत 70 वर्षों में हुआ कि चंद इतिहासकारों को चांदी के सिक्कों के आधार पर उनकी निष्ठाएं खरीदी गई और उनसे झूठा इतिहास लिखवाया गया। इस देश पर इस्लामी राज और इस्लामी आक्रमण पूरा नितांत झूठ
पूरा का पूरा झूठ है और उसका एक ही लक्ष्य है हिंदुओं को हीन भावना से भरा जाए और जो काम तलवार से नहीं कर पाए वो कलम की ताकत पर हम अर्जित कर ले, इनको हीन भावना से भरकर इनको इस्लामाइज करें।